स्टार प्लस के मोस्ट एंटरटेनिंग शो तो सूरज में सांझ पिया जी में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टंशी। हाँ, जहां कनक और मीरा अब उमा से पूछते हैं कि उसे कनक के बर्थडे के बारे में कैसे पता चला, तो वहीं जहां उमा कहते हैं कि वो वीडियो कॉलिंग पे किसी गिफ्ट के बारे में बात कर रही थी, तो वहीं जहां उमा और कनक मासा को ये विश करती है कि वो हमेशा खुश रहे, तो वहीं जहां कनक को देख वो चौंक जाती है, जहां सुमन और शिव भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो मीरा की नजर से इसे सीक्रेट रखना चाहते थे, जहां शिव पूछते हैं कि क्या वो एक बार कनक से मिल सकते हैं, जबकि मासा इसे मना करती है और मीरा वहां आती है और उन्हें केक कट करने के लिए कहती है। तो वहीं जहां अब कनक उमा के साथ अपने पास्ट मेमोरी को याद करती है, जिसे याद कर उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन उसी के बाद वो अपने आंसू को पोंछती है। तो वहीं जहां मीरा सुमन कौशल्या शिव के लिए हर किसी के सामने उसे इंट्रोड्यूस करवाती है, जहां कनक इन सब को देख काफी खुश होती है, जहां शिव कनक को गले लगाने के बारे में सोचता है जबकि सुमन उसे दूर ले जाती है। तो वहीं जहां मीरा और उमा ने केक कट कर दिया है, तो वहीं कनक भी उमा और मीरा को वो केक खिलाती है। वहीं जहां कनक काफी हैवी दिल के साथ मीरा और उमा की मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती है, जहां कनक ने उमा और मीरा के हाथ को थमाकर उन्हें डांस फ्लोर पर लेके जाती है। इसी बीच एक वेटर कांच का ग्लास गिरा देता है, जिससे कनक शिव को बचा लेती है, जहां शिव ने कनक की आइडेंटिटी को खुलासा करते हुए उसे थैंक्स कहता है। तो वहीं जहां शिव को ऐसा देख मीरा काफी गुस्सा हो गई है, जबकि उमा को ये पता चल जाता है कि कनक के हाथ पर चोट आई है, जिससे उसके हाथ से काफी खून बह रहा होता है। तो वहीं जहां उसे वो रोकने के लिए अपना नैपकिन निकालते हैं और उसके हाथ पर बांध देते हैं, जहां कनक और उमा एक दूसरे की नजरों में खो जाते हैं। इसे देख मीरा काफी गुस्सा हो जाती है। तो अब शो में आगे कौन सा नया इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न आता है, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार प्लस के मोस्ट एंटरटेनिंग शो तो सूरज में सांझ पिया जी में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टंशी। हाँ, जहां कनक और मीरा अब उमा से पूछते हैं कि उसे कनक के बर्थडे के बारे में कैसे पता चला, तो वहीं जहां उमा कहते हैं कि वो वीडियो कॉलिंग पे किसी गिफ्ट के बारे में बात कर रही थी, तो वहीं जहां उमा और कनक मासा को ये विश करती है कि वो हमेशा खुश रहे, तो वहीं जहां कनक को देख वो चौंक जाती है, जहां सुमन और शिव भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो मीरा की नजर से इसे सीक्रेट रखना चाहते थे, जहां शिव पूछते हैं कि क्या वो एक बार कनक से मिल सकते हैं, जबकि मासा इसे मना करती है और मीरा वहां आती है और उन्हें केक कट करने के लिए कहती है। तो वहीं जहां अब कनक उमा के साथ अपने पास्ट मेमोरी को याद करती है, जिसे याद कर उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन उसी के बाद वो अपने आंसू को पोंछती है। तो वहीं जहां मीरा सुमन कौशल्या शिव के लिए हर किसी के सामने उसे इंट्रोड्यूस करवाती है, जहां कनक इन सबको देख काफी खुश होती है, जहां शिव कनक को गले लगाने के बारे में सोचता है जबकि सुमन उसे दूर ले जाती है। तो वहीं जहां मीरा और उमा ने केक कट कर दिया है, तो वहीं कनक भी उमा और मीरा को वो केक खिलाती है। वहीं जहां कनक काफी हैवी दिल के साथ मीरा और उमा की मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती है, जहां कनक ने उमा और मीरा के हाथ को थमाकर उन्हें डांस फ्लोर पर लेके जाती है। इसी बीच एक वेटर कांच का ग्लास गिरा देता है, जिससे कनक शिव को बचा लेती है, जहां शिव ने कनक की आइडेंटिटी को खुलासा करते हुए उसे थैंक्स कहता है। तो वहीं जहां शिव को ऐसा देख मीरा काफी गुस्सा हो गई है, जबकि उमा को ये पता चल जाता है कि कनक के हाथ पर चोट आई है, जिससे उसके हाथ से काफी खून बह रहा होता है। तो वहीं जहां उसे वो रोकने के लिए अपना नैपकिन निकालते हैं और उसके हाथ पर बांध देते हैं, जहां कनक और उमा एक दूसरे की नजरों में खो जाते हैं। इसे देख मीरा काफी गुस्सा हो जाती है। तो अब शो में आगे कौन सा नया इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न आता है, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।